दोस्तों, छत्तीसगढ़ की क्लासेस की कड़ी में आज हम लोग छत्तीसगढ़ शब्द के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों को देखेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का सरकारी तौर पर कब प्रयोग किया गया, छत्तीसगढ़ को साहित्यिक तौर पर कब अपनाया गया या छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्यिक तौर पर कब किया गया। इसके पश्चात हम इसी वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को विभिन्न कालक्रमों में किन नामों से जाना जाता था देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोगों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैन स्टडी में मैं ओमकार यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले हम इसके प्रथम प्रयोग पर जाते हैं सन 1494। 1494 में दलपत राव, जो कि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर इनके कविता के बोल थे, लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न रही गढ़िया। इस कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि 1494 के कालानुक्रम में मिलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग दलपत राव के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के साहित्यिक प्रयोग के बारे में बात करें तो हमें जानना होगा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्यिक रूप से कब और किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर सबसे पहले बात करें 1746 में गोपाल मिश्र, जो कि कलचूरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने अपनी एक रचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्यिक प्रयोग किया। अपनी रचना खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, और जिसे हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम साहित्यिक प्रयोग खूब तमाशा में किया गया है। यहाँ पर फैक्ट की बात करें तो हमें जानना होगा खूब तमाशा के रचनाकार कौन है, हमें जानना होगा गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे और छत्तीसगढ़ का साहित्यिक प्रयोग किस रचना में किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ शब्द का आधुनिक इतिहासकार के द्वारा प्रयोग या आधुनिक इतिहास में प्रयोग। यहाँ पर बात करें आधुनिक इतिहास के प्रयोग के बारे में तो यहाँ पर नाम आता है बापू रेवाराम का। बापू रेवाराम, जिनका जन्म रतनपुर में हुआ, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का आधुनिक इतिहास में प्रथम प्रयोग किया गया। इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में सन 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का आधुनिक इतिहास में प्रथम प्रयोग किया। बात करें इनकी अन्य रचनाओं के बारे में तो है वंशी का इतिहास इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का सरकारी तौर पर प्रयोग, तो कैप्टन जेटी ब्लंट ने अपने दक्षिण छत्तीसगढ़ के यात्रा वृत्तांत को बिलासपुर गजेटियर समाचार पत्र के माध्यम से 1795 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और छत्तीसगढ़ के यात्रा वृत्तांत को उल्लेखित किया। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का सरकारी तौर पर प्रथम बार प्रयोग किया गया। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र को विभिन्न कालों में किन नामों से जाना जाता था। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। आज हम परिचित होंगे किन किन कालों में छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता था। दोस्तों, इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर अपनी जानकारी बेहतर कर सकें, और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं छत्तीसगढ़ के हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में अलग अलग नामों की। तो सबसे पहले इसके लिए हमको इतिहास के पैटर्न को समझना होगा या इतिहास को समझना होगा, क्योंकि विभिन्न प्राचीन कालों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग नाम हमको मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि हमने इतिहास को तीन भागों में देखा, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसके संदर्भ पर हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी यहाँ पर जानकारी अप्राप्त है। बात करें आदित्यासिक काल की, आदित्यासिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, सिंधु घाटी काल और वैदिक काल में। तो सिंधु घाटी काल की बात करें तो इसके संदर्भ में भी जानकारी हमको नहीं मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी काल के संदर्भ पर अगर बात करें तो ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को कवर करता है, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित था। अब इसके बाद अगर हम बात करें वैदिक काल की, इसके बाद बात करें हम वैदिक काल की, तो वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने इसको संदर्भ में बांटा हुआ है। बात करें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की, तो पहले तो बता दूं कि वैदिक काल के संदर्भ पर अगर हम बात करें तो इसका जो कालक्रम है वो है 1500 BC से 600 BC। अब 1500 BC की बात करें यहाँ पर, तो 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल को माना जाता है और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। ऋग्वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक काल पर भी यही जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है 1000 BC से 600 BC को, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ से छत्तीसगढ़ के साक्ष्य की जानकारी मिलना प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए साक्ष्य यहाँ से मिलना प्रारंभ होते हैं। देखते हैं पहले साक्ष्य को, तो चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ 44 साल तक लगा हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था 44 साल तक, तो इसके संदर्भ पर हम यह कह सकते हैं, चूंकि अब देखिए यहाँ पर साक्ष्य जो मिले हुए हैं हमें, पहला विंध्य पर्वत, दूसरा रेवा नदी जो वर्तमान में जिसका नाम नर्मदा नदी के नाम जाना जाता है, तो विंध्य पर्वत और रेवा नदी जैसे प्राकृतिक क्षेत्र जो हमारे पास उत्तर वैदिक काल में मिले हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ पर हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में था। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन काल की, परंतु प्राचीन काल में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर पौराणिक काल के बारे में दो बातें बताना चाहूंगा। पौराणिक काल के संदर्भ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास पे या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र पे नए नाम दर्ज होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पौराणिक कालों के बारे में। वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ पौराणिक काल जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो पौराणिक काल की बात करें तो पौराणिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका रामायण काल और एक है महाभारत काल। बात करते हैं रामायण काल की, तो रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर के क्षेत्र यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करते हैं रामायण काल में, तो देखिए दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहा जाता था और बस्तर का क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता था। इसकी बहुत सारी गाथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक गाथा मैंने आपको पहले सेशन में दिया था, मैं वापस उसको दोहराता हूं। तो दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ था। इस विवाह के स्वरूप में, यानी हम कह सकते हैं भेंट के स्वरूप में, चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, तो दक्षिण कौशल का क्षेत्र उत्तर कौशल के राजा दशरथ को मिला। अंततः यह हुआ कि आगे चलकर भगवान श्री राम क्षेत्र इस क्षेत्र में अधिकतर वनवास का समय बिताया, और यह भी कहा जाता है
कि इसके बाद ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, यानी छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप अभी करंट अफेयर में भी ऐसा सुन चुके होंगे कि रामगमन मार्ग के रूप में छत्तीसगढ़ बहुत प्रसिद्ध है, और इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसके 14 मार्गों को या 14 क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बात करें तो भगवान श्री राम के बाद लव और कुश को यह भूमि प्राप्त हुई, जिसमें लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल प्राप्त हुआ था। इस प्रकार रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। महाभारत काल में भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र को जाना जाता है जो कि महाभारत काल के गाथाओं से जुड़े हुए हैं। बात करें महाभारत काल की गाथाओं से तो जैसे आरंग, सिरपुर, खल्लारी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो महाभारत काल के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या महाभारत काल के समय से जुड़े हुए हैं। तो बात करें बस्तर के क्षेत्र की, इसे कांतार नाम से जाना जाता था। तो हमें याद रखना है यहाँ पर दो चीजें कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किन नामों से जाना जाता था, दूसरा दक्षिण क्षेत्र यानी बस्तर को किन नामों से जाना जाता था दंडकारण्य के रूप में। बात करें महाभारत काल की तो इन्हें प्राग कौशल और दक्षिण क्षेत्र को कांतार कहा जाता था। आगे चलते हैं, इनके बाद बात करते हैं प्राचीन काल के समय। प्राचीन काल के समय हम गुप्त वंश की बात करते हैं यहाँ पर। तो गुप्त वंश में आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के द्वारा एक दक्षिणापथ अभियान चलाया गया था। तो दक्षिणापथ जो शब्द आया है वो स्पेशली छत्तीसगढ़ शब्द के लिए रहा है, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रहा है। तो समुद्रगुप्त के द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द के क्षेत्र के लिए दक्षिणापथ शब्द का उपयोग किया गया, यानी छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा गया। ठीक है, अब बात करें चीनी विदेश यात्री वेन सॉन्ग के बारे में। इसने अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ को किया स्लो नाम से उल्लेखित किया है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल में। यहां पर हम बात कर रहे हैं कनिंघम के बारे में। तो कनिंघम ने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में, कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल का क्षेत्र बताया है। इस प्रकार विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ को अलग अलग नामों से जाना जाता था। चलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।